जब आप टेलीविजन पे अपने चाहते स्टार्स को देखते हैं और सेट के बारे में सोचते हैं, आप में से कई बार सेट तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन मेकअप रूम तक आप नहीं पहुंच पाते, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो कई लोग सोचते हैं मेकअप रूम अंदर से कैसा होता होगा, हमारे चाहते स्टार मेकअप रूम के अंदर कैसे रहते होंगे, यही सब ज़्यादा चीज़ें दिखाने के लिए आज हम पहुँच चुके हैं राजेश जी के पास, को सुशील जी के नाम से जानते हैं। ये कहने वाला है कि ये बहुत प्रिविलेज्ड है कि इसको प्राची के या सुशील के रूम में घुसने का मौका मिला, तो आज तो ये पूरा मुझे परेशान कर दीजिए। जैसा कि हमने आज बातचीत भी की, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हैं अपने बारे में, जैसे कि हमने एक एक चीज़ हमने आज दिखाई, आपने बताया कि एक एक चीज़ हमने बात की, तो जैसे बुक्स वगैरह हैं काफ़ी, इनके छोटे छोटे फोटो से कलेक्शन है यहाँ पर, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बच्ची आपसे ही पूछते हैं कि हमने देखा कि फोटोज़ यहाँ लगी हुई हैं तरह तरह के, फोटोज़ लगाने के कारण और कुछ सेलेक्टेड फोटो हैं लग रहा है। देखो, फर्स्ट थिंग अबाउट दिस सेट, जो 51 का सेट है, इतना यहाँ पे सेट पे बहुत पॉजिटिविटी है, एंड जो मेकअप रूम्स हैं वेरी ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन, नए हैं ऐसे पुराने नहीं हैं। सो मेरा मन किया कि क्यों ना जिस जगह पर आपको दिन के 12 घंटे बिताने हैं, तो क्यों ना उसको थोड़ा सजा के रखा जाए। तो मेरे पास कुछ पुरानी मेरी पिक्चर्स थी, 2-3 साल पुरानी, तो वो मैंने लगाई हुई है मेरी फैमिली के साथ, मेरी फ्रेंड्स हैं। ये मेरी बॉम्बे की पिक्चर है जब मैं 2013 में यहाँ आई थी, ये मेरी कॉमनवेल्थ गेम्स की पिक्चर्स हैं जब जो दिल्ली में हुए थे, जिसमें मैं इंडियन टीम की यंगेस्ट कैप्टन थी। यहाँ पे बास्केटबॉल कुछ शूट्स की पिक्चर्स हैं, एंड देन कुछ कुछ जो चीज़ें जो हमेशा याद की, लर्न डायलॉग्स बाय हार्ट हो गया, स्टे पॉजिटिव, रीड बुक्स व्हेन आइडल, के मतलब गॉसिप्स में ज़्यादा ध्यान ना देकर। सो जो मेरा जो लोन टाइम होता है कभी कभी, जो एक्टर्स को बहुत मिलता है, खैर मुझे तो कम मिलता है बट मिलता है, तो उसमें मैं बुक्स पढ़ूँ, तो ये सब मोटिवेशन के लिए। पूरा जो मंथली कैलेंडर हो गया, या मेरा ये है मेरा जो वाटर इनटेक होना चाहिए, दिस इज बेसिकली आज का, मैं अभी एक और काटना बाकी है, पर 6 लीटर पानी मुझे दिन में पीना है, सो कि मुझे याद रहे चीज़ें। एंड देन ये कुछ मेरा बुक्स का कलेक्शन है, ये मेरी पर्सनल डायरी भी है जो मैं कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लिखती हूँ। सो ये है, एंड देन डी कोडिंग बॉलीवुड, एंड देर आर अदर बुक्स एज वेल, थोड़ी मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल बुक्स होती हैं, वो पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा कि आर्टिकल्स भी आपने कुछ कलेक्ट कर रखे। हाँ, मैंने इस डायरी में जो जैसे न्यूज़पेपर में कभी आर्टिकल्स आते हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक कलेक्शन करी जाए। सो मैंने ये अभी रिसेंटली बॉम्बे टाइम्स में आया था आर्टिकल, उसका है, या अभी नव भारत टाइम्स में आया था उसका है, एंड देन ये नमिश की बर्थडे पार्टी का, ये भी, ये बास्केटबॉल, अगल बगल पॉजिटिव वाइब्स रहे, इसके लिए इतना कुछ करते हो। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ कि कुछ सब्सटैंशियल या कुछ क्रिएटिव करती रहूँ, बिकॉज मुझे क्रिएटिव काम करना हमेशा से ही बहुत पसंद था, और आपको मेरे रूम में हमेशा यू नो छोटा सा स्टेपलर या मार्कर, मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपनी स्क्रिप्ट्स को, अपने डायलॉग्स मार्क करके रखूँ, क्योंकि मुझे लर्न करने में बहुत आसानी होती है। सो आई बेसिकली लाइक टू बी अ लिटिल मोर ऑर्गेनाइज देन अदर्स। ओए, तकरार से कैसी लड़की बनती है, देख। ए सुशी, सिर्फ हाइट होने से कुछ नहीं होता, टैलेंट भी होना चाहिए। सिर्फ बॉडी होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। पहले मैच हारूंगा, फिर दिल जीतूंगा, और फिर दिल तोड़ूंगा। ओए, हमने देखा कि लैपटॉप पे भी आपका टाइम बीतता है, म्यूजिक सुनते हुए टाइम बीतता है, काफ़ी क्रिएटिव टाइम इनका बीतता है यहाँ पर सेट पर, अगर टाइम मिल जाए तो। तो जो लोग हैं जो इस तरह से ऐसे पॉजिटिव वाइब्स चाहते हैं, तो कह सकते हैं कि प्राची को देखें और फॉलो करें आज की स्टोरी देखने के बाद। थैंक यू सो मच। और मैं एक और मेरा आइडिया है जो मैं करना चाहती हूँ, मेरा तो वर्क स्टेशन है ही सजा हुआ, तो मेरे साथ रूम शेयर करती है पल्लवी, जो कि शो में मेरी सास बनी है, जिनका नाम है कली। तो अब जब भी मुझे टाइम मिलने वाला है ना, तो फिर मैं उनका वर्क स्टेशन भी सजाऊंगी, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल सरप्राइज फ्रॉम माय एंड। बट मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा, फिर मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं उनकी पिक्चर्स डेवलप कराकर और उनका वर्क स्टेशन भी सजाना चाहती हूँ। ऐसा मेरा थॉट आया कल, जो कि आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ, रादर देन यू नो इधर उधर बैठ गई या फ़ोन में 24 घंटे लगे रहना, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। हालाँकि
पीआर संभालने के लिए या सब कुछ बाकी चीज़ें सोशल मीडिया संभालने के लिए भी ऑलरेडी हैव टीम्स. सो मैं सोचती हूँ कि क्यों अपना ऑलरेडी इतना 12 घंटे आप दिन में काम कर रहे हो, तो थोड़ा अपने लिए टाइम, म्यूज़िक सुनना, कुछ देखना हो गया. गेम ऑफ थ्रोन्स देख रही हूँ मैं आजकल, सो विच इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग. और म्यूज़िक सुनती हूँ और ये सब थोड़ा क्रिएटिविटी का काम करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ. आज आपसे बात करें बहुत खुशी हुई प्राची, और जैसा आप कर रही हैं वैसे लोग भी करें और जिंदगी में पॉजिटिविटी लाएं ताकि काम हमारा और अच्छा हो सके. थैंक यू. थैंक यू सो मच. वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई.